नमस्कार किसान भाइयों, महान किसान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कागजी बारहमासी नींबू के विषय में चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो कागजी बारहमासी जो नींबू होता है, इसका गुणों का ही खजाना है, गुणों का भंडार है। तो आइए हम चलते हैं कागजी बारहमासी नींबू के विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ ये भी हम जैसे कि इसके बारे में हम इसके रोपने की विधि, इसको अच्छा से कैसे ग्रोथ करें, कैसे इसके पौधे को लगाएं और ये कैसे अच्छा से अच्छा डेवलप करें, उसके तरफ भी हम ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ जो है सो कि एक मैंने एक कागजी बारहमासी नींबू मैं नर्सरी से मंगाया, नर्सरी से लाया हूँ। और देखिए ये छोटे नींबू, ये गुणों का भंडार होता है, इसमें इसका गुण अनगिनत है। तो आइए हम इसके कैसे इसको हम लगाएं जो हमारा पौधा अच्छा से अच्छा ग्रोथ करे। देखिए इस पौधा को आप कहीं भी लगा सकते हैं, इस पौधा को आप चाहे तो अपने खेत में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप गमले में भी लगा सकते हैं या अपने घर के आसपास कहीं भी लगा सकते हैं। ये जो कागजी बारहमासी नींबू का जो पौधा है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इस पौधा को अपने दरवाजे के पास ही लगाने जा रहा हूँ। और इसको देखिए, सबसे पहले तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक गड्ढा खुदाई करेंगे। और उसके बाद गड्ढा खुदाई करने के बाद इसमें क्या करेंगे हम देखिए, इसमें जो मवेशी का जो खादर होता है उसको सड़ा हुआ होना चाहिए, इस प्रकार का। इसको सड़ा हुआ मवेशी का ये जो खादर होता है, कंपोस्ट, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, इसको होना चाहिए ताकि हमारे पौधा को पोषक तत्व मिल सके। और हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, जो प्लास्टिक जो है इसको हम लोग काट देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है इसको काट देना होगा और इसको हटा देना होगा। और देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको जो है सो कि अच्छी तरह से मिट्टी को मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इस तरह मिट्टी डाल देंगे। और उसके बाद हम इस पर जल भी डालेंगे, पानी डाल देंगे, अच्छी तरह से डाल देंगे। देखिए यह कागजी जो बारहमासी नींबू है, जो देखिए अभी इसको दिखाइए। अभी देखिए इसमें फल पकड़ लिया है, फल देखिए 1 2 3 4 5 6, इतने ही छोटे पौधा में जो है सो कि देखिए 6 7 8 10 गो पकड़ लिया है फल। ये 5 फीट से भी अधिक बड़ा होगा और इसमें काफ़ी नींबू निकलेगा। और ताजे नींबू का बात ही अलग है। अब इसके बाद हम इस छोटे नींबू के बड़े फायदे के बारे में जानकारी साझा करेंगे। विटामिन सी से भरपूर यह नींबू रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है और ये आपको कितनी गंभीर बीमारियों से बचाता है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और अपने आप को फिटनेस रखने के लिए एक कागजी नींबू बारहमासी का एक पौधा अपने घर के आसपास गमले में भी लगा सकते हैं या कहीं भी इसको लगा सकते हैं, जो आपको ताजे नींबू प्रतिदिन आपको मिलेगा। इसको आप चाहते हैं तो आप अपने बगल के नर्सरी से भी ला सकते हैं या आप घर बैठे भी फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी आप इस पौधा को मंगा सकते हैं। और मंगाने के बाद आप जिस विधि से मैं बताया हूँ उस विधि से आप लगाते हैं तो इस पर काफ़ी फल निकलेंगे और आपका परिवार हंसता मुस्कुराता और स्वस्थ रहेगा।